दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक असर्ट चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। दोस्तों आपको पता ही होगा अभी जो भी सारा सीन चल रहा है देश के अंदर, जो चाइना ने अभी सारा सीन किया है ये, और बहुत गलत चीज़ें की हैं, हमारे सोल्जर्स मारे गए हैं। तो इस सब के चलते अभी एक बड़ी न्यूज़ आई है कि आपको जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं उन्हें हटाना पड़ेगा अपने फ़ोन से। मतलब कि आप उन्हें हटाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, हमारे देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि देश सबसे ऊपर है। तो आज मैं इन एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन निकालनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक असर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने जो गवर्नमेंट है उसको 52 एप्लीकेशंस की लिस्ट प्रोवाइड की है कि ये एप्लीकेशंस या तो बैन कर दी जाएं क्योंकि ये चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं, या फिर इन्हें जो यूज़र्स हैं वो यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दें, निकाल के फेंक दें, अनइंस्टॉल कर दें, बिल्कुल हटा दें अपने फ़ोन से। अभी हम लोग बात करें एप्लीकेशंस ही क्यों, तो उसके लिए रीज़न ये है कि आपका सॉफ्टवेयर है। अभी आपको पता है जैसे आपके फ़ोन में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तो हार्डवेयर का सीन ऐसा है कि आप एकदम से हार्डवेयर को नहीं हटा सकते सारा, क्योंकि हम कह सकते हैं कुछ तरीके से डिपेंडेंट हैं आपके चाइना के ऊपर, और भी चीज़ें हैं कि मतलब वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो उस चीज़ के लिए अभी टाइम लग जाएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, पर हाँ वो चीज़ भी हम बॉयकॉट कर देंगे, बिल्कुल हटा देंगे उसे, कि हम खुद से बनाएंगे, मेक इन इंडिया होगा वो सारी चीज़ें, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो चीज़ धीरे धीरे होगी, गवर्नमेंट अपने लेवल पर करेगी। पर अगर हम बात करें हमारे लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, हम वो ये कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर को हटा सकते हैं उसके, मतलब कि उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, 52 एप्लीकेशंस की लिस्ट प्रोवाइड की हमारी इंटेलिजेंस ने, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं कि उन्हें हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं एकदम एकदम अपने फ़ोन से रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, उसमें आपकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले जो नाम आता है वो आपका टिकटॉक ही है, जैसे आपको पता ही होगा वो चाइनीज़ है। टिकटॉक, वॉल्ट हाइड, आपका वीगो वीडियो, बीगो वीडियो, वीबो, वी चैट, शेयर इट, यूसी न्यूज़, यूसी ब्राउज़र, ब्यूटी प्लस, एक्सेंडर, क्लब फैक्ट्री, हेलो ऐप यानी कि हेलो लाइक, आपका कीवी, रोम, शीन, न्यूज़ डॉग, फोटो वंडर, एपस ब्राउज़र, वीवा वीडियो, जूम, परफेक्ट क्रॉप, सी एम ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, और आपका एम आई कम्युनिटी, ड्यू रिकॉर्डर यानी कि एम आई की सारी एप्लीकेशंस, ड्यू रिकॉर्डर, यू कैम, मेकअप, एम आई स्टोर, 360 सिक्योरिटी, ड्यू बैटरी सेवर, ड्यू ब्राउज़र, ड्यू क्लीनर, मतलब ड्यू की सारी एप्लीकेशन जो भी आपकी, क्लीन मास्टर, और आपका कैश क्लीनर, ड्यू एप्स की सारी के सारा स्टूडियो जो है, और आपका बेडू मैप, वंडर कैमरा, ई एस फाइल एक्सप्लोरर, क्यू क्यू इंटरनेशनल, क्यू क्यू लॉन्चर, क्यू क्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यू क्यू प्लेयर, क्यू क्यू म्यूजिक, क्यू क्यू मेल, मतलब क्यू क्यू की सारी एप्लीकेशन, मेल मास्टर, एम आई वीडियो कॉलेक्स, शाओमी, मतलब कि सारी सारी एप्लीकेशंस हैं। मैंने इनके स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर ही दिया ऑलरेडी, और इसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और जो भी एप्लीकेशंस हैं आप सबको रिमूव कर दीजिए, कि मेरे फ़ोन में ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं थे, बस 2 ही एप्लीकेशन थी, आपका कैम स्कैनर और आपका शेयर इट, जो कि मैं हटा चुका हूँ। तो आप अगर आपको भी आपके फ़ोन के अंदर ऐसी एप्लीकेशन मिलती हैं जो आपने इंस्टॉल की हैं, आपने फालतू में भर रखी हैं, तो उन्हें हटा दीजिए, इनके अल्टरनेटिव देख लीजिए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इंडियन एप्लीकेशन मिल जाएंगी, और भी एप्लीकेशन मिल जाएंगी आपके, बहुत सारे एप्लीकेशन है अभी, तो सॉफ्टवेयर तो इतने सारे बनते हैं, तो आप देख लीजिए आपका काम किसी और से चल जाएगा, हमें इन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। और इसमें आपकी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमसे परमिशन मांगी जाती है हमारे कैमरा की, माइक्रोफोन की, इन सब चीज़ों की। तो हमारा जो डेटा है वो सारा का सारा आपके चाइनीज़ सर्वर्स पर जाता है इन एप्लीकेशन के थ्रू, ये हमारा डायरेक्ट डेटा कहीं और नहीं जा रहा, पहले चाइनीज़ सर्वर पर जाता है, उसके बाद किसी दूसरी जगह जाता है, तो हमें वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है, इससे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। हमारे फ़ोन्स, कह सकता हूँ मैं कि हमारे फ़ोन्स का जो कैमरा है वो यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको रखने की जरूरत नहीं है, इन्हें आप जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी हटा दीजिए, आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इन एप्लीकेशन के साथ क्या करना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किए हैं तो इन्हें जल्दी से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि हमारे देश से ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे लिए देश की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें अपना योगदान दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।